please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो क्या सबसे बड़ी गलती रही गठबंधन करना नीतीश जी के साथ गल... लालू जी के राजनीतिक करियर की देखिए लालू जी का जो दिल है बहुत बड़ा है साफ दिल के व्यक्ति हैं जो सामने हैं हकीकत में वही हैं पेट में उनके दांत नहीं है जैसे हमारे चाचा के हैं <laughs> और मैं आपको बता दूं समय की मांग थी देश हित के लिए बिहार के हित के लिए महागठबंधन बनाने का काम किया था सेकुलरिज्म के लिए सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए ये जानते हुए भी कि नीतीश कुमार जी के करीबी लोगों ने मेरे पिता पे केस मुकदमा कराया जेल तक भेजा और बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हमने नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट किया एज ए चीफ मिनिस्टर स्पीकर का भी पद जो होता उनको हम लोगों ने देने का काम किया तो हमारे मन में तो कोई ऐसा मैल नहीं था लेकिन नीतीश जी ने तो पहले भी कहा है आपने देखा होगा स्टेटमेंट में भी बोला है कि हमने तो जब महागठबंधन बनाने की बात थी तभी हमने अपने नेताओं को कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा अट्ठारह महीने या दो साल चला सकेंगे तो चला सकेंगे आप पहले हमें कह देते पहले कह देते ना या पब्लिक को कहते जिससे आप मैंडेट लेकर के आयो यानी आपने तो जनादेश का अपमान किया आपने जनता को जो कमिटमेंट किया किसके अगेंस्ट आपने वोट मांगा बीजेपी के और बीजेपी को जनता ने नकारा और नकारने वालों को आपने सत्ता में ले आया चोर दरवाजे से बहुत गुस्सा है आपके मन में नहीं गुस्सा बातों को सुन के लग रहा है आप बिहार तो आ जाइए बहुत, बहुत, बहुत गुस्सा है बिहार सड़कों पर अगर नीतीश जी तो निकलते नहीं है वो निकल जाएंगे तो सही में गुस्सा पता चल जाएगा लोगों में क्या गुस्सा है क्या ये गुस्सा हमेशा के लिए हो गया ये गांठ हमेशा के लिए पड़ गई है नहीं देखिए चाचा है और मेरा इज्जत है और हमारे माता पिता ने संस्कार यही दिया है कि बरू की इज्जत करो लेकिन अब अच्छे चाचा नहीं रहे तो चाचा अगर अच्छे होने चाहेंगे आपके मुताबिक तो क्या गठबंधन दोबारा हो सकता है क्या इस तरफ आ सकते हैं चाचा अब तो चाचा जी से पूछिए कि वो भागेंगे कि नहीं भागेंगे अब भागेंगे तो कहाँ भागेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ बातें की मोदी जी के कार्यकलापो को लेकर सरकार के अचानक से जो भागने वाला वही नहीं बोल रहा कि हम भागेंगे कभी आपने किसी भी व्यक्ति ने अगर सुना हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या मीडिया को उन्होंने बोला हो कि हाँ मेरा मन कर रहा है यहां से निकलने का आदमी इशारे करता तो है इस पर चर्चा क्यों की जा रही है आदमी इशारे करता है उन्होंने नोटबंदी की उस जमाने में तारीफ की थी उन्होंने अब उन्होंने आलोचना शुरू कर दी स्पष्ट बता दे वो भागेंगे कि नहीं भागेंगे लेकिन हम नहीं जानता अगर भागेंगे तो अगर हम अपना लेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी